मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बजरिया प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर ईवीएम अब तक चालू नहीं हुई है। ईवीएम के बंद होने के चलते यहाँ पर लोग परेशान है। कब से पहुँचे आप? साढ़े छह बजे के आए हम लोग। ईवीएम खराब है? हाँ, मशीन बंद है। मशीन बंद है और हम 6:30 बजे के खड़े हुए हैं और 2 वक्त दुकान से आ गए हैं वापस। पर तीसरी बार ये देख लीजिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ में ये अपने मतदान की पर्ची लेकर खड़े हुए हैं, अपना आधार कार्ड और निर्वाचन का पहचान पत्र भी लेकर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक पहला वोट भी नहीं डाला है। पहला वोट भी नहीं डाला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर पीठासीन अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है। ईवीएम बंद होने के चलते जो है सुबह 7 बजे से मतदान होना था, लेकिन इस वक्त 7:46 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर मशीन काम नहीं कर रही है, ईवीएम काम नहीं कर रही है, जिसके चलते मतदान शुरू नहीं हो सका है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24 होशंगाबाद।